नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आगामी एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता की नई भर्ती के बारे में। इससे पहले भी दोस्तों मैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित अपडेट आपको देता रहा हूँ और इससे पहले भी कई वीडियोस में दोस्तों इस पर बना चुका हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित क्या नई अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के अधिकार में भारत सरकार और राज्य सरकार ने कुछ चीजें तय कर रखी है कि कितने बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए, और ये भी तय है कि हमारे राज्य में कितने टीचर हैं। ये भी मैं आपके सामने और सभी सदस्यों को बताना चाहता हूँ। हमारे राज्य में प्रवक्ता के 12,516 पद कुल स्वीकृत हैं शिक्षा के अधिकार के तहत, और जिसमें 8,817 टीचर हमारे लेक्चरर जो है आज विद्यमान है, जो कार्यरत है। रिक्त पद है 3,699 पद, जिसके सापेक्ष हमारी सरकार ने 2,441 जो है गेस्ट लेक्चरर लगा रखे हैं, और अब जो टोटल रिक्त पद है वो है 1,258 पद। इसके सापेक्ष हमने 595 पदों का अध्याचल लोक सेवा आयोग को भेजा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है लोक सेवा आयोग में उसके जो है आजकल गतिमान है, बहुत जल्दी उनके जो है शुरू हो जाएगा कि कब वो हमको लेक्चर देंगे। लेकिन जब विधायकों ने कई जगह मुझसे भी कहा है, मैं अभी अल्मोड़ा का मैं प्रभारी भी हूँ, तो मैं यार आप विधायक जी साथी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी जब तक वहाँ से आते तब तक आप गेस्ट फैकल्टी और लगा दीजिए साइंस के और मैथ्स के। तो हमने अभी 950 गेस्ट फैकल्टी और लगा रहे, जिसमें कि 550 लोगों को हमने जिलों में भेज दिया है। मुझे लगता है कि आपके जाते जाते वो ज्वाइनिंग भी ले देंगे, 10-15 दिन में सबकी ज्वाइनिंग होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि लेक्चरर की कमी हमारे राज्य में अब ना के बराबर रहेगी। कुछ अगर कमी रहेगी तो फिर हम उसको गेस्ट फैकल्टी से भरने का पूरा काम कर लेंगे। और मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि हमने तय कर रखा है कि जब तक लोक सेवा आयोग से जो है हमारे टीचर नहीं आते तब तक हम गेस्ट फैकल्टी को जरूर जो है जहां जहां टीचर की कमी है वो लगाने का काम करेंगे। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा क्या बयान दिया गया है विधानसभा सत्र के दौरान। इवन लिखित रूप में दोस्तों इनके द्वारा बोला गया है कि 595 पदों का अधियाचन प्रवक्ताओं का भेजा गया है यूकेपीएससी को। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जब आपको दोस्तों वीडियो बनाकर दिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 474 पदों का अधियाचन भेजा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा यूकेपीएससी को, और किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है इसका भी दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल दोस्तों बताई थी। लेकिन दोस्तों मैंने आपको ये भी साथ में बताया था कि इस अधियाचन में काफी सारी कमियां हैं और जिसके कारण इसको यूकेपीएससी के द्वारा दोबारा से शिक्षा विभाग को भेजा गया है ताकि इन कमियों को पूरा किया जा सके। और क्योंकि कुछ पोस्ट दोस्तों वहां पर नहीं थी अवेलेबल, यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जहां पर प्रवक्ताओं के पदों को शून्य रखा गया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जल्द ही दोस्तों इसमें आपको पोस्ट भी इंक्रीज देखने को मिलेंगी। तो देखिए, आपने देखा होगा कि 595 पदों पर अधियाचन भेजा गया है, यानी कि 474 से इंक्रीज होके पोस्ट आपकी 495 होगी। 100 से अधिक दोस्तों प्रवक्ताओं की आपको एक्स्ट्रा भर्ती दोस्तों यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही सकारात्मक बयान है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जब तक रेगुलर भर्ती प्रवक्ताओं की नहीं होती है तब तक गेस्ट टीचर से काम चलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि गेस्ट टीचर के भी आपको कई सारे पद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब गेस्ट टीचर भी नई भर्ती दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि यूकेपीएससी के द्वारा अभी तक इस एडवर्टीजमेंट को रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, इस पर का भी मैं आपको कारण बता दूं। अभी बीच में दोस्तों हाल में ही बेरोजगार संगठन, बीएड बेरोजगार संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, इनके द्वारा दोस्तों एक लेटर भेजा गया है जो कि मुख्य सचिव के नाम पे भेजा गया है। इनके द्वारा दोस्तों ये विनती की गई है कि मुख्य सचिव से कि जल्द ही 595 पदों का दोस्तों जो अधियाचन है उसको जल्द से करेक्ट करके शिक्षा विभाग के द्वारा यूकेपीएससी को भेजा जाए, जिससे कि यूकेपीएससी ससमय इस विज्ञापन को जारी कर सके। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों अभी भी ये जो विज्ञापन है वो लटका हुआ है शिक्षा विभाग में, क्योंकि दिव्यांग बच्चों से संबंधित दोस्तों इसमें कुछ भी कुछ कमियां पाई गई हैं।
जिस कारण से शिक्षा विभाग ने अभी तक इसको करेक्ट करके वापस नहीं भेजा है यूकेपीएससी को। और इनके द्वारा विनती की गई है क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फिलहाल ओवर एज हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब तक यूकेपीएससी इस अध्याचन को एक्सेप्ट करके इस एडवर्टीजमेंट को रिलीज करे तब तक कई अभ्यर्थी ओवर एज हो जाए और इस कारण से उनको इस भर्ती में मौका ना मिले। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों ये विनती की गई है बीएड बेरोजगार संगठनों के द्वारा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही सकारात्मक न्यूज निकल के आ रही है, जल्द ही दोस्तों आपको प्रवक्ता भर्ती देखने को मिल सकती है। 595 पदों पर दोस्तों यहाँ पर अभी प्रवक्ता की लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही सकारात्मक न्यूज है। 474 से 595, 100 से अधिक प्रवक्ताओं की दोस्तों आपको एक्स्ट्रा भर्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जल्द ही आपको प्रवक्ता के एक्स्ट्रा पद यहां पर देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि दोस्तों इसमें और भी आपको एक्स्ट्रा और भर्ती दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।